गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे। घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। घर पे सभी की मौज हो रखी है क्योंकि इतनी गर्मी में स्कूल में ना आपको जाना पड़ रहा है, ना वापिस आना पड़ रहा है, ना डंडे खाने पड़ रहे हैं, ना कोई होमवर्क की टेंशन है। सब आप आज़ाद हो, अपनी मर्जी से पढ़ना। आपको पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे और आपके या हमारे जो भी जिंदा लोग हैं सभी के समय में। शायद 1920 में ऐसा कुछ हुआ था, उसके बाद अभी 2020 में हो रहा है। तो जो लोग आज जिंदा है सभी की जिंदगी में ये जो टाइम चल रहा है, ये पहली बार है। कोई इसी का किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों, हमने 9th क्लास की सेकेंड यूनिट शुरू कर रखी है और उसमें हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 9th यूनिट 2। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, क्या हमारे चारों तरफ का जो मैटर है वो प्योर है? और उसका लेक्चर नंबर है आज 7। और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। उम्मीद करता हूँ सभी ने चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो आज कर लेंगे और अपने सभी यार दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों के पास भी ये सारी चीज़ें पहुँच सके और वो लोग भी इस चीज़ का फायदा उठा सके जो वो पढ़ाई हम करा रहे हैं, जिस लेवल की पढ़ाई, जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसका फायदा सभी को हो। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर शुरू करने आया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो आज का कंपाउंड्स, हमने पढ़ना है आज कंपाउंड्स के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोग भूल जाते हो, आप लोग नहीं करते। थोड़ा थोड़ा 2 मिनट में रिवाइज कराता हूँ, फिर कंपाउंड पढ़ेंगे। देखो क्या पढ़ा था हमने, शुरुआत की थी मैटर से, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास डेफिनेट वॉल्यूम, सब कुछ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, सॉलिड लिक्विड गैस होती है, पढ़ लिया था। फर्स्ट यूनिट में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था प्रॉपर्टी, सॉलिड में क्या होती है, कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेप वॉल्यूम साइज सब पढ़ लिया। अब हमने मैटर की प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब वो कितना प्योर है, उसमें सारे एक जैसा है, मिक्सचर है, क्या है? प्योरिटी का मतलब ये तो है कि जैसे घी है, अभी प्योर है, उसमें मिलावट है, प्योरिटी पढ़नी है। तो प्योरिटी के हिसाब से हमने मैटर को दो चीज़ों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था हमारा प्योर सब्सटेंस और दूसरा था मिक्सचर, कि एक तो प्योर होंगे बिल्कुल और एक होगा मिक्सचर किसी चीज़ का। अब देखो प्योर सब्सटेंसेस को हमने फर्दर डिवाइड किया, किस किस में? प्योर सब्सटेंसेस को हमने फर्दर डिवाइड किया एलिमेंट्स में और कंपाउंड में, और मिक्सचर को हमने किया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इधर प्योर सब्सटेंसेज में, प्योर सब्सटेंसेज में हमने एलिमेंट्स पढ़ लिया, एलिमेंट्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। एलिमेंट्स को फिर फर्दर हमने डिवाइड करके किसमें पढ़ा था? मेटल में पढ़ा कि एलिमेंट्स मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और मेटलॉइड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो मतलब हमने मैटर की जो प्योरिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन, उसमें ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, इस पार्ट का ये एलिमेंट, मतलब हमारे पास जो बचे हमने कंपाउंड पढ़ना है, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का थोड़ा सा मैंने आपको याद दिला दिया, हिंट दे दिया। आप पीछे की वीडियो सारे रिवाइज करोगे, आपका कल का या परसों का होमवर्क मैं एक बार फिर से रिविजन ही डालूंगा कि आप सभी को सारी वीडियोस रिवाइज करनी है। चलो तो आज का हम शुरू करते हैं लेक्चर। कंपाउंड क्या होता है? देखो सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं कंपाउंड की। डेफिनेशन जैसे हमने सभी की, मिक्सचर की, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, इन सभी की जिस तरह से हमने वो देखी थी डेफिनेशंस, ऐसे हम कंपाउंड की डेफिनेशन आज पढ़ेंगे। लिखो, ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ, क्या लिखोगे? कंपाउंड। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ, बताओ भाई कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप, क्या कहना चाह रहा होगा? मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। कब? मिक्स, भाई दो तरह के एलिमेंट्स थे उनको मिला दे के कंपाउंड बन गया? नहीं, टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन एलिमेंट्स, साथ में क्या होना चाहिए? केमिकली भी कंबाइंड होने चाहिए। केमिकली कंबाइंड कैसे? किसी फिक्स प्रोपोर्शन में, केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, कि भाई इतना अमाउंट, इतना ग्राम ये होगा और इतना ग्राम ये होगा, और उसको आपस में मिला देंगे तो हम क्या बनेगा हमारे पास? कंपाउंड मास। तो देखो कंपाउंड की डेफिनेशन मेरे ख्याल में आप सभी की समझ में आ गई होगी। क्या कह रहा है? ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस, सब्सटेंस है भी कैसा है? प्योर सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ, बना हुआ किससे? टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स से, एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड। देखो ध्यान रखो, दो या दो से ज्यादा
प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे, किस तरह से केमिकली कंबाइंड, वो आपस में केमिकली कंबाइन हो चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि आयरन अलग से पड़ा, सल्फर अलग से मिला दो बन गया कंपाउंड, नहीं, वो केमिकली रिएक्ट करनी चाहिए। हम या तो उसमें से एनर्जी निकलेगी या एनर्जी देंगे ताकि वो कंबाइंड हो जाएंगे केमिकली। कि अब अगर उनमें से हम सल्फर निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, अगर उसमें से आयरन निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि दे आर नाउ केमिकली कंबाइंड। तो टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, किसे मास के। जैसे देखो ये बताओ H2O है, ये क्या है भाई, H क्या है, ऑक्सीजन क्या है, H है एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या है एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट। H का मास कितना होता है बताओ भाई, 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1 मास होता है 16। अब देखो एलिमेंट का मतलब है कि सारे एटम इसमें हाइड्रोजन के होंगे, सारे एटम एक जैसे होंगे, किसी में हाइड्रोजन गैस ले ली वहां पे हर जगह हाइड्रोजन ही है, एच एटम है, तो हो गया एलिमेंट, एलिमेंटल फॉर्म एक टाइप के एटम्स। दूसरे में हमने ले लिया एक और में ऑक्सीजन गैस, अब यहाँ सारे एटम ऑक्सीजन के है तो ये हो गए ऑक्सीजन एलिमेंट। लेकिन अगर अब इस हाइड्रोजन को और इस ऑक्सीजन को हम मिला दें, H2+O2 हाफ O2 होता है, और इसने बना लिया H2O, कैसे, फॉर्मूला हम सबको पता ही वाटर का होता है कि H2O की दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे ये केमिकली कंबाइंड। अब हम अगर इस वाटर में से अगर हम इसमें से वाटर मॉलिक्यूल में से कहें कि भाई हाइड्रोजन निकाल लो और ऑक्सीजन निकाल लो, तो पॉसिबल नहीं है फिजिकल मेथड से कि हम हाथ से निकाल ले, छान ले कहीं से या कुछ मैग्नेट लगा के निकाल ले। ऐसे जो फिजिकल मेथड्स है उनसे हम इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज दे आर केमिकली कंबाइंड, और किसके साथ, विद केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। बाय मास कैसे, कि देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब इसका 2 इसका 16, तो रेशियो क्या होगा, 1:8। अब कहीं भी वाटर मॉलिक्यूल उठा लो, आप किसी भी तरह का पानी ले लो, किसी भी बिकर में ले लो, किसी भी बिकर के किसी भी कोने से ले लो, वहां पे जो इनका मास का रेशियो होगा 1:8 होगा, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम हाइड्रोजन तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी, हर जगह हर जगह हर जगह। ये हुआ फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली रिएक्ट करना उनका। तो समझ में आया कि एलिमेंट में और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है, एलिमेंट अकेला होगा एक टाइप के एटम्स, लेकिन कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइंड बाय मास, इस तरह से होगा तो हो जाएगा हमारा कंपाउंड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड का थोड़ा सा, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन, मेरे ख्याल में आप सब लिख लोगे। इसको रुक करता हूँ बच्चों, कुछ हमारे जो कंपाउंड से बेसिकली आपके यूज होने वाले हैं, जिनके जनरली नाम आपको आने चाहिए फॉर्मूला के साथ, वो एक बार वो देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कंपाउंड की, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। पहला होता है सबसे बेसिक अमोनिया, नाम चलता है अभी सबको, अमोनिया गैस होती है NH3, ये होता है नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 रेशियो में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया बनती है, NH3 होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है, CO2, ये भी एक कंपाउंड है। आइस वाटर वाटर वेपर, सभी में फॉर्मूला होता है H2O का। और देखो ये तीन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप तीनों आपको 10th क्लास में तो आपको याद करनी करने, अभी याद कर लोगे तो वहां का काम आसान हो जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं क्विक लाइम। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जर्नल नाम है लाइमस्टोन। देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को बोलते हैं मार्बल, जो हमारा मार्बल होता है या फिर सफेदी जो करते हैं वो यही होता है। लाइमस्टोन ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। NTC अगर आप कर रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन सल्फाइड FeS, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इन सारे जनरल फॉर्मूला। उसके अलावा जो बेसिक अपना ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन डाई नाइट्रोजन O2 H2 N2, ये सारी गैसेज आपको पता होना चाहिए। कॉपर सल्फेट हो गया ऐसे ही, आयरन सल्फेट अगर FeSO4 आ जाए तो आयरन सल्फेट, ये सारी चीजें। NaCl नहीं पढ़ा हमने, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट होता है हमारा जो नमक होता है टेबल साल्ट, NaCl कर लोगे। ये सारे एग्जाम्पल थे, अब लिखो कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कंपाउंड्स। देखो बच्चों अब जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हमारे कंपाउंड के होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले।
एक चीज होती है आयरन फिलिंग, देखो आयरन फिलिंग, और एक होती है हमारी सल्फर गैस, सल्फर। आयरन फिलिंग में होता है आयरन Fe, और सल्फर में होता है S। ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। आयरन फिलिंग का मतलब है आयरन का पाउडर, लोहे का मान लो पाउडर फॉर्म में हमने कर ली। अब मान लो ये हमने Fe और ये हमने सल्फर ये मिला दिया, ये Fe प्लस S हो गया भाई। मतलब कुछ ये आयरन फिलिंग के एटम थे, प्योर एलिमेंट था, ये सल्फर के एलिमेंट थे, ये हमने मिक्स करके दोनों ये FeS बन गया जनरली। अब देखो क्या हुआ, Fe के एटम और सल्फर के दोनों सॉलिड हैं। अब ये देखो आप एक मिट्टी लो और एक ये खोरे होते हैं, इनको कूट के छोटे छोटे वो ले लो, इनको मिला दो, क्या होगा? क्या ये मिक्स हो गए, कंपाउंड बन गया? बताओ, नहीं बना कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन मतलब केमिकली रिएक्टिव होना चाहिए। केमिकली रिएक्शन का मतलब है या तो रिएक्ट करते टाइम हमें कुछ हीट देकर उसको रिएक्ट कराएंगे, या उसमें से रिएक्ट करके कुछ हीट निकलेगी। अब तो ये एक तरह से मिक्सचर बना भी, यहाँ से हम छान लो, छलनी लो और छान लो, ये वो रे मिट्टी अलग हो जाएगी और वो जो कंकड़ होंगे हमारे वो अलग हो जाएंगे। तो ये कंपाउंड नहीं बना, ये बना मिक्सचर। अब देखो इस मिक्सचर को हम हीट कर दें, इस मिक्सचर में हम हीट दे दें, तो ये मिक्स होके FeS बन जाएगा, प्लस का साइन हट जाएगा। मतलब अब ये केमिकली रिएक्ट कर जाएगा, आयरन के एटम सल्फर के एटम में मिल जाएंगे। यहाँ आयरन का मान लो कुछ ब्राउन कलर था पहले, और सल्फर का था येलो कलर, ब्राउन कलर था और सल्फर का, तो दोनों को मिक्स किया तो ब्राउन और येलो अलग अलग दिख रहे हैं। कभी भी छान लो आप, छलनी लेके हाथ से निकाल लो, मोटे कंकर है। लेकिन जैसे ही हमने इसको हिट किया, अब ये कलर चेंज होके ये ब्लैक कलर का हो गया भाई, ब्लैक कलर है, क्या बन गया? FeS। अब इसमें ना तो आप आयरन को पहचान सकते ना सल्फर को पहचान, क्यों? क्योंकि ये केमिकली रिएक्ट कर गए। अब ना तो ये आयरन रहा ना ये सल्फर रहा, बल्कि इन दोनों ने मिलकर एक तीसरी चीज बना दी। तो इसमें से अब आप चाहो कि यहाँ पे आप चुंबक लगाओगे इस आयरन के पास, तो इसमें से चुंबक ही पूरे आयरन को खींच लाएगा, सल्फर रह जाएगा भाई। जबकि यहाँ पे आप चुंबक लगाओगे तो यहाँ कुछ आयरन नहीं है, यहाँ रिएक्ट करके नई चीज बन गई FeS, नई चीज कंपाउंड। अब आयरन की प्रॉपर्टी नहीं होगी इसमें, ना ही इसमें सल्फर की होगी। तो यही फर्क होता है एक एलिमेंट में और एक कंपाउंड में और एक मिक्सचर में। मिक्सचर में वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, मिक्स होते हैं हम आराम से किसी भी फिजिकल मेथड से, हैंड पिकिंग से, फिल्ट्रेशन से, इवेपोरेशन से निकाल सकते हैं उसको फर्दर। लेकिन जब ये केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे तो ये मिक्सचर ना रह के कंपाउंड बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक तरह से एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। अब इसके बेस पे आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ो, कैसे कैसे क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर है। देखो पहला क्या कह रहा है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। पहला है कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। अगर कंपाउंड बन गया, अगर केमिकली रिएक्ट कर गया, तो हम उसको फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से उनको सेपरेट नहीं कर सकते, हमें हाथ से उनको नहीं निकाल सकते, उनको इवेपोरेट नहीं करा सकते, उनको हम सब्लिमेशन करके नहीं निकाल सकते, उनको हम फिल्ट्रेशन से या छलनी से किसी भी तरह से उनको अलग नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए सभी को। दूसरा, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मैंने कहा कि आयरन प्लस सल्फर ये बनाया, आयरन प्लस सल्फर ये अलग अलग थे, मिला दिया ये बन गया। यहाँ आप मैग्नेट लगाओ आयरन को खींच लेगा, लेकिन जब हीट करके FeS बन गया, यहाँ आप आयरन के मैग्नेट लगाओ, यहाँ कुछ रिएक्शन कुछ नहीं होगा वो प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ आयरन है ही नहीं, आयरन का अपनी प्रॉपर्टीज खो चुका है, अब वो एक नई चीज बन गया। तो वही कह रहा है कि जब ये कंपाउंड बन जाता है तो उसमें उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी वापस नहीं बचती, वो एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है और उसकी नई प्रॉपर्टीज होती है। तो वही कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो Fe और S से बिल्कुल अलग होगी, इनसे मैच नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, एनर्जी इज यूजुअली आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज ए केमिकल चेंज। सीधी सी बात है, कंपाउंड बनेगा तो केमिकल चेंज जरूर होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होगी और वो केमिकली रिएक्ट करेंगे और केमिकल चेंज होगा, जिसके कारण उनमें या तो एनर्जी हम देंगे रिएक्ट कराने के लिए या एनर्जी उसमें से निकलेगी। हो जाएगा तीनों क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, और देखो भाई अब बताओ कंपाउंड होगा वो होमोजीनियस टाइप होगा या हिट्रोजीनियस टाइप होगा? बताओ, कोई भी कंपाउंड होगा अगर होमोजीनियस होगा या हिट्रोजीनियस होगा? होमो और हिट्रो की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी बहुत अच्छे से, कि होमो क्या होता है और हिट्रो क्या होता है। बताओ भाई, नहीं बताओगे? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ, कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज
इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा उसका। ये बात मेरे ख्याल में आप सभी समझ रहे होंगे कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब होता है, कि अगर H2 है तो 1:8 रेशियो होगा। ये मैंने आपको पहले आराम से क्लियर करके समझा रखा है, ठीक है भाई। अगला देखो, अगला पॉइंट है कि कंपाउंड जो होगा, ए कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे फिक्स, क्योंकि वो केमिकल रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड, एक नया केमिकल, एक नई चीज तैयार हो गई, नई स्पीसीज तैयार हो गई, जिसकी थ्रू आउट सेम रहेगी सारी कंपोजिशन, और उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब नहीं हमें कि वो किससे मिलकर बना है, उसको मतलब नहीं आयरन का कितना है, उसको मतलब है उसका कितना होगा, और वो आयरन से बिल्कुल अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टीज कहीं भी आयरन से मैच नहीं करेगी। तो हम इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड होता है वो होगा एक होमोजीनियस कंपाउंड, इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस, होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस में हमने यही तो बताया था कि थ्रू आउट कहीं से भी उठा लो सेम कंपोजिशंस होगी, तो यही कंपाउंड में होता है, सेम कंपोजिशन, सेम मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट थ्रू आउट, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट थ्रू आउट, यही होती है हमारी कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो मेरे ख्याल में बच्चों आप लोगों को कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर, तीनों में क्या फर्क होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर के लास्ट में देखते हैं कितना लंबा हो गया लेक्चर अभी है, तो एक छोटी सी टेबल और पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस और पढ़ लेते हैं। तो बच्चों आपको होमवर्क है, मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट करके लिखना है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा लेक्चर देखोगे, लास्ट में आपको एक मैं इमेज इसमें लगा दूंगा, जोड़ दूंगा एक फोटो खींच के, जहां पे इन दोनों के डिफरेंस होंगे वहां से आप राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। लिखूंगा लेक्चर लंबा होगा, अपलोड करने में दिक्कत होगी, क्या फायदा, आप लोग वीडियो को रोको, पॉज करो और उसमें देख देख के जो भी डिफरेंस है दोनों में वो लिखो। समझा मैंने पूरा दिया है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक का भी चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी बात करेंगे हम इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा सोल्यूशन, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइड्स, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।